तो वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, आज आप लोग को हम बताएंगे कारक कारक के, और आपको इससे पहले हम आपको इसका पूरा डिटेल्स बताएंगे, तब उसका उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे क्या क्या पूछा जाता है। सो गाइस, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कारक किसे कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। अब रही दूसरी बात कि कारक के 8 वेद होते हैं, कारक के जो है 8 वेद होते हैं। कारक के कितने वेद होते हैं? 8 वेद होते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन सा इसका वेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अप्रदान और संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसको इस तरह भी हम बोल सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अप्रदान से संबंध का, अधिकरण में संबोधन। अरे, और सो गाइस, अब इससे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, सो गाइस उसी पे हम लोग आज बात करेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है। चलिए, वीडियो को बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया। उससे पहले हम आपको बता दें, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे समय पे। सो गाइस, सबसे पहला नंबर जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जो हमको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। यहाँ पे अधिकरण, अधिकरण का जो है चिन्ह है, अधिकरण का जो है चिन्ह है, क्योंकि इसमें जो है कालिदास कवियों में, कवि में जो है ये अधिकरण में आ जाता है। सो गाइस, इसका सही आंसर हो गया डी नंबर, इससे पहले भी हम आपको समझा चुके हैं। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे हम सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सेकंड नंबर में राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यहाँ पे राम ने रावण को मारा, इन वाक्य में दो कारक के चिन्ह है, दो कारक के चिन्ह है। तो टू नंबर का जो आपका सही आंसर हो गया ए, कर्ता और कर्म, कर्ता में होता है ने और कर्म में होता है को, ने यहां देखिए ने है और को, जैसे कि हम पहले इससे पहले बोले हैं कर्ता ने कर्म को, मतलब राम ने रावण को मारा, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ए नंबर। सो गाइस, आपको आज हम पूर्ण रूपेण समझाने की कोशिश करें ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। सो गाइस, अब देखा जाए आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन, मेरी गाय काली है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है, मेरी गाय काली है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। तो थर्ड नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, थर्ड नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, संबंध, मतलब मेरी गाय है, मतलब वो पुण्यपेन मेरी है, बस समझ रहे हो ना भाई। चलो, अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर में घर में कुत्ता भी शेर होता है। बड़े बड़े वाह, कितना सुंदर सेंटेंस मिला यार, घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, इन वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। तो फोर्थ नंबर का जो आपका सही आंसर हो गया बी नंबर, अधिकरण, अधिकरण में जो गाइस, अधिकरण में होता है में, घर में, यहाँ जो घर में लगा है तो ये अधिकरण में हो जाएगा, इसका सही आंसर हो गया बी नंबर। सो गाइस, जब हम लोग देखेंगे इसी तरह फाइव नंबर क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सो गाइस, जब हम लोग देखेंगे फाइव नंबर क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, मैंने राम को कलम दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है, को जो है भाई कौन सा कारक है, थोड़ा सा माइंड को इन्फेक्ट करो, देखो को कौन सा कारक है, को जो है संप्रदान हो जाएगा यहाँ पे, मतलब मैंने राम को कलम दी संप्रदान के लिए, मैंने राम को कलम दी, तो फाइव नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सो गाइस, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, में से विभक्ति में साधन का अर्थ प्रयोग होता है। तो सिक्स नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, करण में, करण में, मतलब यहाँ पे कर्ता से, कर्ता को कर्म से। सो गाइस, जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेवन नंबर क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत है, ये पहले क्वेश्चन हम बता चुके हैं, कारक के कितने वेद होते हैं, कारक के जो है आठ वेद होते हैं, कारक के आठ वेद होते हैं, फटाक से आंसर लगाओ, आठ वेद होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं एट नंबर क्वेश्चन, बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, भाई बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, इस वाक में कौन सा कारक है, एट नंबर का जो आपका सही आंसर हो गया सी नंबर, कर्ता, यहाँ पे सही आंसर हो गया ने जो दिया हुआ बाबू, ने जो है कर्ता ही है, कर्ता ने मतलब बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, अब भाई क्यों मारा वो आप जानो क्यों मारा। अब देखिए यहाँ पे नाइन नंबर क्वेश्चन, मुरली गांव से चला गया, मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है, मुरली जो है गांव से चला गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, नाइन नंबर का जो आपका सही आंसर हो गया अपदान,
आप्रदान मतलब संप्रदान के लिए होता है और आप्रदान में से होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप्रदान। डी नंबर सो कैसे हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कर्ता कारक के चिन्ह बताएं। कर्ता कारक के चिन्ह बताएं, कर्ता का होता है ने, कर्ता कारक जो होता है कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है ने होता है, कर्ता ने। 10 नंबर का जो आपका सही आंसर हो गया ए नंबर। सो गाइस हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, वह जन्म का भिखारी है। अरे भाई वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक का विभक्ति है, का जो है किस कारक का विभक्ति है, तो 11 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी करण। 11 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी करण। सो गाइस हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 12 नंबर क्वेश्चन में जो क्रिया की भी उत्पत्ति में सहायक हो उसे कहा जाता है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कहा जाता है। 12 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा कारक, ये भी हम क्वेश्चन बता चुके हैं पहले ही। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, क्रिया के करने वाले को कहते हैं, क्रिया के करने वाले को कहते हैं। 13 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा कर्ता, क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं कर्ता कहते हैं। अब हम लोग देखें यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं। 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी कर्म कहते हैं। अब हम लोग देखें यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं करण कहते हैं। गाइस यहाँ पे सही आंसर हो गया डी करण। अब हम लोग देखें यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर में है जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं। 16 नंबर का सी संप्रदान। सो गाइस हम लोग आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या, 17 नंबर क्वेश्चन में आजकल के नेता रुपयों पर बिकते हैं, इस वाक्य में रुपयों पर किस कारक का विभक्ति है। 17 नंबर का जो आपका सही आंसर हो गया सी संप्रदान। यहाँ ये तो बात भी सही है यार, नेता रुपयों पे बिकता है। सो कहते हम लोग देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में उमाकांत की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, उमाकांत की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है। 18 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा गाइज ए नंबर संबंध, उमाकांत की बहन मतलब उमाकांत की अपनी बहन है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी का अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि का पता चले उसे कहते हैं। 19 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी अपरदान कहते हैं। सो गाइज अब इसी तरह हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए, क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम स्वरूप को कहते हैं। 20 नंबर का जो आपका सही आंसर हो गया अधिकरण कहते हैं। सो गाइस हम लोग देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 21 नंबर क्वेश्चन में राकेश स्टेशन आ रहा है, इस वाक्य में स्टेशन से कौन सा कारक है। 21 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ए अपरदान, मतलब अपरदान हो जाए, से लगा हुआ स्टेशन से लगा हुआ तो अपरदान ही होगा भाई, क्यों सोच रहे हो उतना। चलिए आप देखेंगे हम यहाँ पे 22 नंबर, बंदर पेड़ पर बैठा है, भाई ये तो बात सही है कि बंदर पेड़ पे ही बैठता है, इस वाक्य में पेड़ पर किस कारक का प्रयोग किया जाता है, किस कारक का प्रयोग किया जाता है, तो 22 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। 22 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी अधिकरण, अधिकरण में पढ़ पेड़ पर का प्रयोग किया जाता है। सो गाइस वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही लाइक करने के लिए मत भूलना यार, लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेट मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस एक और रिक्वेस्ट करते हैं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि हम आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाएं, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगे। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लेकर, तब तक के लिए।